क्रांति। खुश हो गई? 3 साल, 3 साल हो गए ना, 2 साल, 2 साल नहीं यार, वेट करते करते तो हो गए 4 साल। लास्ट जो रिपोर्ट हुआ था दिसंबर 2021 में, 2017 में हुआ था, तो दिसंबर 2017 से बहुत सारे वेट कर रहे थे, दिसंबर 2017 से, और दिसंबर 2021 आ गया, 4 साल, 4 साल में, तो 4 साल में, तो 4 साल में चले योगी जी को आए हुए हो गए, 2022 में 5 साल हो गई, सरकार के बराबर दिन हो गए हमारे इंतजार करते करते, सरकार दोबारा चुनाव में व्यस्त हो गई, हमारी पहली भर्ती क्लियर नहीं हुई, समझ सकते हो हम कितने फास्ट फॉरवर्ड हैं, हम इतनी जल इतना आगे हैं, इतना आगे हैं, जब दुनिया 6G 7G पे चल रही है, हम लोग 4G का यूज कर रहे हैं, समझ सकते हो। तो दिसंबर 2017 से दिसंबर 2021, 4 साल तो ही हो गए। चलो हम तो अपने, हमने अपना अक्टूबर सिस्टम जो शुरू किया था, अक्टूबर 2019 से शुरू किया था, तो अभी पेपर में हमारे कितने साल हो गए, 2 साल तो हो गए, 2 वर्ष। लेकिन यह था कि फॉर्म जो आए उससे और पेपर होने में ज्यादा समय नहीं लगा, ये ईश्वर की दया थी। चलो ये तो होगी बात, अब बात करते हैं कुछ पेपर की, जो पेपर हुआ है। अब सभी का पेपर 12 नवंबर से शुरू हुआ, 2 दिसंबर को एंड होगा, जो मेरे विचार में आंसर की आएगी, आंसर की वो 5 दिन के अंदर आ जाएगी, 5 दिन के अंदर, 2 दिसंबर के 5 दिन के अंदर के बाद, ठीक है भाई, जो फर्स्ट आंसर की आएगी, फर्स्ट आंसर की, इसमें बहुत सारी गलतियां होंगी, 13-14 आंसर की आई थी पिछली बार, कोर्ट केस चला था तब नहीं आंसर की, तो पहली आंसर की मेरे अनुसार 5 दिन के अंदर होगी। रुझान की बात करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे लीक वीक की, जो सेटिंग जुगाड़ वगैरह होते हैं। तो देखो भाई, बहुत से लोग सेटिंग में पकड़े गए अलग अलग जगह, जैसे एक अलीगढ़, खैर अलीगढ़ में कोई जगह, वहां पर कोई इंटर कॉलेज है, वहां पर भी एक ये पकड़े गए सॉल्वर गैंग के सदस्य है, जिन्होंने पेपर लीक वीक कराया था। बाकी इन सबसे होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे बैच में बहुत से ऐसे स्टूडेंट, बहुत से क्या, सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मेहनती थे, जो हम लोग, हमारा 2017 वाले पेपर का जो रिजल्ट था उसमें, क्योंकि ये कुछ ही लोग होते हैं और ये पकड़े जाते हैं और फिर इनको जो सजा मिलती है। अब जैसे योगी जी क्या कहते हैं, योगी जी कहते हैं गैंगस्टर लगवा देंगे, एनएसए लगवा देंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्ध कर देंगे, करे घर वालों के नहीं, मतलब सारी घर की जमीन पर बुलडोजर चलवा देंगे। अब ऐसे पेपर को लीक करने का क्या ही फायदा, काम तुमने किया, सजा घर वाले भुगत रहे हैं जिंदगी भर, भाई बहन घर पे बुलडोजर चल गया, तो ये तो गलत है ना, तो क्यों इन चक्रों में पड़ना, मेहनत करके नौकरी पालो। तो अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसा बंदा आता है तो उसकी शिकायत 112 पे कर दिया करो, यूपी मुख्यालय को आप ईमेल भेज सकते हो, वो अपने आप सुलट लेंगे, एसटीएफ है ना अपनी, बहुत माल लगाती है वो ऐसे लोगों में। तो रुझान की बात करूं मैं बच्चा, देखिए जो 12 नवंबर से पहला फेज जो था, 12 नवंबर से फर्स्ट फेज में क्या था कि जो इसका आइडिया है वो जनरल की मैं आपको बता रहा हूं, उसके हिसाब से आप लगा लीजिएगा, ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। मेरे विचार में जो फर्स्ट कट ऑफ आएगी आपकी, जो फर्स्ट कट ऑफ आएगी वो साथी 100 से 105 क्वेश्चंस पे आएगी। कितने क्वेश्चंस पे? 100 से 105, 105 से 107 भी हो सकती है, इससे ऊपर बढ़ने की संभावना कम है, फर्स्ट फेज। जो सेकंड फेज जैसे आपका शुरू हुआ, ये घटके 100 के अराउंड रह गई मेरे विचार में, और जो थर्ड फेज शुरू हुआ है तो ये आपके वही 97 से 100 क्वेश्चन, मैं तो इसको 95 भी कह दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये फर्स्ट फेज। इतने क्वेश्चंस पे आप लोग रनिंग के लिए बुला लिए जाओगे, रनिंग सबके बस की नहीं होती, हमारे बैच में बहुत सारे लोग दौड़े, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग गिरे, बहुत सारे लोग, एक तो हमारे पुलिस कांस्टेबल ही थे वो तो शहीद भी हुए थे, उनकी डेथ हो गई थी दौड़ में, लेकिन दौड़ क्या है उस समय गर्मियों की थी, इस समय सर्दियों की दौड़ होगी, जनवरी फरवरी की दौड़ होगी। तो दौड़ अगर जनवरी फरवरी में इनकी होती है तो मेरे विचार में जो
वो बनेगी हिसाब किताब जो बनेगा वो ये बनेगा कि ज्यादा समय आपको दौड़ के लिए मिलेगा नहीं। इसके दौड़ के लिए एक महीना तो चाहिए, घर की दूध दही चाहिए, एकदम बढ़िया बादाम की सी लस्सी टाइप, तब जाके इसकी दौड़ लगती है। जैसे अगर हम अब दौड़ मारे तो हमारे फरिश्ते भी नहीं मार पाएंगे, तब तो भी मार दी थी, अब दौड़ नहीं लगने की। तो इसमें दौड़ में बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं मेरे विचार में जो पहला है, क्योंकि अभी जो पहले बता रहे थे कि सर मैं तो 140 कराया, फिर बोला ईमानदारी से सही बता सर 120, मैं बोला पूरी ईमानदारी से बता, बोला 110, मैं बोला ये बता कि बिल्कुल तुझे जो आते थे वही 105 के आसपास है, तो मैं बोला तो 140 से तूने शुरुआत की, 105 पे आना था, सीधे 105 बोल देता। कहने का अर्थ क्या है कि बहुत सारे बच्चों के तो अच्छे भी हैं, 130 प्लस वाले भी, 140 वाले भी हैं, लेकिन सबका ऐसा नहीं है। 100 में से 4-5 आपको ऐसे मिलेंगे, बाकी मेरे जैसे तुम्हारे जैसे ही हैं कि जो बोलेंगे तो 140-145, लेकिन अंत में उनके पास जो आंसर की आएगी उनके पास कितने बचेंगे, उनके पास इसके हिसाब से बचेंगे। अंत में जब आंसर की आती है सारा सिस्टम फेल हो जाता है, फिर आंसर की से मिलाने के बाद में जो नंबर निकलते हैं बहुत ही बुरी हालात होते हैं। मेरे विचार में इस पर आप लोग सेफ हो, बढ़िया हो, रनिंग में भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हुई, एक दो 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 तीन तीन क्वेश्चन की तो फाइनल मेडिकल के बाद जो लगती है उसमें मान लेते हैं, अन्यथा रुझान मेरे विचार में यही कहते हैं, मैं जो फाइनल निकालूंगा वो भी मेरे विचार में यही निकल के आएगी। तो जिसके इसके आसपास बैठ रहे हो, पेपर हो चुका हो भाई, बिन दरे मतलब बिन देर किए, भाई और बहन दोनों बिन देर किए आप लोग दौड़ मारनी शुरू कर दो। आपको लगती होगी कुछ आप में से जवान होंगे ताकतवर टाइप लड़के लड़कियां, वो निकाल लोगे, कुछ हमारे श्रेणी में आ चुके होंगे, ज्यादा तो लोग हमारी श्रेणी के हैं, तो भाई तुम्हारे लिए तो और ही बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि तुमने दौड़ अगर वहां ज्यादा तुमने वो कुछ इंजेक्शन विंजेक्शन गोली वोली खा के मारी तो हॉस्पिटल पहुंचना। इससे अच्छा है कि दौड़ अपनी ओरिजिनल बना लो, एक टाइम दौड़ो, एक टाइम थोड़ी हल्की फुल्की रनिंग और एक्सरसाइज करो, थोड़ा किसी समझदार इंसान से सलाह ले लो, घर की दूध दही खाओ, भैंस का दूध पियो बढ़िया, दही दूध एकदम दवा के 2-3 टाइम दूध पिया, और सुबह अधचली छाए, छाछ अधचली दही बोलते हैं उसे, वो पूरी तरीके से चली हुई नहीं होती, पूरी तरीके से छाछ भी नहीं होती, दही भी नहीं होती, अधचली, थोड़ा सुबह उठ के बादाम रात को भिगो दिए उसको पीस के उसका अर्क सा निकाल के थोड़ा मजबूती लाओ, कम से कम 1 महीने की दौड़ इसके लिए जरूरी होगी। 1 महीने की दौड़ से पहले मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग नहीं दौड़ पाएंगे, मतलब उसमें यार बहुत लोग थे जिनका नहीं हुआ था, मैं अंदाजे से लगाऊं तो वो लोग कुछ भी नहीं तो 150 के करीब के बच्चों को दौड़ाते हैं, 150 नहीं तो चलो 100 तो मान ही लो, ऐसे खड़े थे पीछे तक लाइन लग गई थी, मतलब 30-40 लड़के क्लियर किए होंगे, 30% का रेशियो रहता है मेरे विचार में, 40 भी मान लो चलो तो भी तो 10 में से 6 पे नहीं लगती ना। तो तुम देख लो अपनी दौड़ भाग किस तरीके से करनी है, मेरे विचार में रुझान है, आंसर की 5 दिन के अंदर आ जाएगी, जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि अगर इससे लेट देते हैं 2-3-4 आंसर की आएंगी तो इनको फिर रनिंग के लिए बुलाने में टेंशन होगी। अब रनिंग के लिए कितना गुना आदि बुलाएंगे तो देखने वाली बात होगी, इतने पे मुझे लगता है कि सेफ है मामला रनिंग के लिए, तो अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, इस बार हमें लगता है हम यहीं तक रह जाएंगे, दौड़ तक दौड़ कर ही नहीं पाएंगे, इस बार तो हम दौड़ जाएंगे नहीं, हम पहले ही छट जाएंगे, तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो जिनका थोड़ा सा इससे नाजुक है मामला, आपके लिए यही कहूंगा कि पेपर इतना टफ भी नहीं और इतना इजी भी नहीं है, मिक्स है, जिस लेवल की तैयारी कराई थी और जैसा 2017 का पेपर था वैसा पेपर पूरी तरीके से नहीं आया, हालांकि मैथ बहुत लेंदी, बहुत बड़ी बड़ी डिजिट, जिसका मैथ अच्छा था उसके लिए ज्यादा भी नहीं है वो परेशानी, हालांकि ज्यादातर बच्चों का मैथ अच्छा नहीं होता तो उनके लिए तो परेशानी वाली बात थी, हिंदी ठीक ठाक थी, जीके में थोड़ी परेशानी हुई, उतनी भी नहीं हुई, रीजनिंग भी ठीक ठाक थी,
तो 2017 के तो लेवल दूर दूर तक नहीं था, वो अच्छा लेवल था, बहुत अच्छा लेवल था। इस बार टीसीएस के हाथ में नहीं थी, NACIT करके कंपनी उसके हाथ में थी, लेकिन फिर भी उतना इतना भी इजी नहीं था। पेपर का लेवल था, जिसने मेहनत की होगी वही एसआई बनेगा, ऐसे ही कोई भी अट्टू पट्टू एसआई नहीं बन सकता। और अटपटे थे चीजें, लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ाई की है उसका उत्तर आसानी से दे चुका होगा। और बाकी चीजें एक बार आंसर की आती है तो प्रत्येक शिफ्ट की आंसर की एनालिसिस करेंगे, प्रत्येक शिफ्ट की आंसर की में देखेंगे क्या एवरेज सही निकलता है, हर एक उसकी शिफ्ट की आंसर की एक एक दिन देंगे उसको, तो उम्मीद करेंगे कि यहां से कुछ ना कुछ चीजें बेहतरीन निकले। बाकी आप में से जो नहीं कर पाए या इतना मार्क्स नहीं है, उनके लिए यही कहूंगा दोबारा अच्छे से तैयारी कीजिए और किसी एग्जाम की तैयारी कीजिए। और जो लोग इसको कर चुके हैं, जिनकी दौड़ भाग होनी है, तो आपके लिए भी अभी कई महीने का समय है, आप भी चाहें तो अपने पीसीएस आदि की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। यही रुकना नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। आपके भी अंदर अगर ये एग्जाम निकल जाएगा तो इसकी दौड़ ही रह जाएगी, इसके अलावा तो कोई ऐसा नहीं कि मेंस वगैरह होना है, तो आपके अंदर भी भूख बढ़ जाएगी। क्योंकि मेरे ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें 41,520 और 49,568 में पढ़ाया था, तो उनमें से एक कई बच्चे जो कांस्टेबल में सिलेक्टेड है, कई मतलब अपने पास एसआई में ज्यादातर बच्चे वो थे जो सिलेक्टेड है कहीं ना कहीं, अब वो सारे ही आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। तो उनको सारी चीजें समझाई थी कि भाई कैसे कैसे करना है आपको, तो आप आगे आराम से सोच के बढ़िया से पढ़ सकते हैं। बाकी एक बार ये पेपर खत्म हो जाए 2 दिसंबर, तब फिर आपको और सारी जानकारी देते हैं कि कैसे कैसे चीजें आपके फेवर में आ सकती है। ठीक है भैया, चलिए, आपने इतना ज्यादा भरोसा किया एग्जामपुर को, एग्जामपुर पर आपने एसआई के लिए चुना, हमने भी 3 साल बहुत मेहनत की आप लोगों के ऊपर, ईमानदारी वाली, रोजाना क्लास, अच्छे से एक एक चीज समझाना, एक एक चीज को जो चीज लगी इसमें फिर से कमजोर पड़ रहे हैं उसको बार बार देना, उसकी मैराथन अलग से लगाना। अब कामयाब कितने हुए तो आपका रिजल्ट बताएगा, लेकिन हम पूरी तरीके से संतुष्ट है, पेपर अच्छा है, अच्छे से हो गया। और इन कभी भी लीक वीक के चक्कर में मत पड़ा कीजिए, इस न्यूज के फालतू के चक्करों में। और कभी भी देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, आपके पास लीक वाला आता तो आप उसे पकड़वा देते हैं। कुछ भ्रष्ट लोग भी होते हैं, बेईमान लोग भी होते हैं, लेकिन उनका कुछ हो नहीं पाता, भ्रष्ट बेईमानी आगे आती है, वो हमेशा कहीं ना कहीं वो मार खाते हैं, बहुत बुरे खाते हैं। और यूपी में पकड़ ली गई तो उनकी जिंदगी खराब, उनके घर वालों की जिंदगी खराब हो जाती है। मेहनत से प्राप्त कीजिए, अगर मेहनत की होगी ना सच्चे दिल से, मिलता जरूर है, सिर्फ उसे नहीं मिला आज तक जिसने मेहनत दिल से नहीं की। अगर हम तो कुछ भी किसी भी काम में, पढ़ाई तो एक ऐसी चीज है, एक बार करो दिल से 6-7-8 महीने, बेहतरीन से बेहतरीन नौकरी, टॉप से टॉप नौकरी, कदमों में ना हो तो बता देना। बाकी हम तो ये ज्ञान की बात हमेशा बताते रहते हैं, हमारा तुम्हारा, तुम कहां अब हमें याद करा करोगे, कभी कभार इधर उधर से घूमते कोई आ जाया करोगे। एक उम्मीद रहेगी, अपने दोस्तों अपने छोटों को जरूर बताएं कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की थी तुम्हारे लिए, और तुमने रिजल्ट पाया तो और ज्यादा बताएं, जिससे उनका भी भला हो। बाकी और क्या कह सकता हूं, पेपर तो होते ही है, पेपर होके होती है कि तुमसे अलग हो जाएंगे, एक ये भी खुशी होती है कि चलो किसी और मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, रास्ते हैं, रोड है, हम तो वही टीचर, तुम गाड़ी हो, चल जाओगे किसी और रास्ते पे, हम वही रोड, वही फिर किसी तुम्हारे जैसे बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए, उल्टे सीधे तुम्हारे कमेंट सहते हुए। मैं कभी सोच के हैरान हो जाता हूं कि इनका भविष्य है, इनको अच्छा, इनका अच्छा सब कुछ हो, उसके लिए मेहनत करने के बावजूद भी गाली खानी पड़ती है, बुरा करके खाते तो कितना अच्छा होता, पर चलो सबका अपना अपना जीवन होता है, हर एक रोल की एक कीमत होती है, टीचर के रोल की भी कीमत होती है, वो चुकानी पड़ती है, तो चलो।